Here we have the school captain inviting the dignitaries. विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित विद्यार्थी एक साथ अध्ययन करते हैं, साथ ही विभिन्न राज्यों से शिक्षक यहाँ पर अध्यापन कार्य करते हैं। विद्यालय के विद्यार्थियों को साथ ही शिक्षक संस्थाओं को चार सदनों में बांटा जाता है और यहाँ पर त्रिवेणी संगम दिखाई देता है, इतिहास, साहित्य और विज्ञान का। और इसी के आधार पर चार सदन में विद्यार्थी विभक्त है। सुभाष सदन जिसका रंग है लाल, टैगोर सदन हरा रंग, असम सदन और विज्ञान का समन्वय। विद्यार्थियों का समूह एनसीसी विद्यार्थियों का समूह एनसीसी के लिए रुद्रांश पंडा सर जोशना मंच के सामने से गुजरते हुए स्टॉक गाइड में प्रतिनिधित्व कर रही हैं प्रियंका गाइड के लिए और स्टॉक के लिए चिन्मय। मुझे खून देना, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। The troop is led by Master Vipraruti, Arpita and Avilipsa. Next. अगला सदन टैगोर सदन। आपने भारतीय साहित्य को विश्व में प्रतिस्थापित करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर भारतीय दर्शन साक्षात्कार करने वाले का नेतृत्व किया सुलग्ना, हिना और अनुष्का। अशोक सदन। अशोक महान शासक के रूप में जाने जाते हैं। उड़ीसा के कलिंग युद्ध में इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचारक रहे हैं। पीला रंग तो धर्म सचेतता का प्रतीक है, इसका प्रतिनिधित्व रोहित, सुलग्ना और निहारिका करें। तत्पश्चात रमन सदन। दीपिका मंगराज, श्रुति पंडा और ऐश्वर्या राय इसका प्रतिनिधित्व करते हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। रमन इफेक्ट के बारे में हम सभी परिचित हैं। चारों सदन चार अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हुए अलग अलग रंगों में, लाल रंग जोश उत्साह उमंग का प्रतीक तो हरा रंग शांति और समृद्धि का, पीला रंग धर्म से जुड़ा हुआ प्रतीक है और रमन सदन जिसका रंग नीला है जो विस्तार आकाश का प्रतीक है।
name of peace and harmony. Yes, all the students, please clap. Encourage them. These torchbearers are Shruti Swai, who has represented our Vidyalaya in badminton, then Shai Shruti Jena in Kabaddi, Prajakta Pradhan in Kabaddi, Jayashri Mahanti in badminton, and they go ahead along with Jayashri Mahanti in badminton, Anisha Rai in Kabaddi, Sunanta Das, Kho-Kho, Subhashmita, once again in Kabaddi, Smriti as well in Kabaddi, Dilip also in Kabaddi. Here are our national players coming forward with the Olympic flame, where they learn the lessons of respecting all the rules and regulations, guided by the principle of victory, of course, but by fair means. I am delighted to declare the annual sports meet open. Thank you. Auspicious occasion of annual sports day, 53rd annual sports day. We have crossed, this Vidyalaya has crossed 53 springs, 53 years. We have crossed golden jubilee year, and these 53 years have brought us many diamond laurels. आप सबको ध्यान होना चाहिए, कल ही हमारे विद्यालय की एक छोटी सी बच्ची, एक नन्हे बच्ची, क्लास 5 की यानी 10 साल की उम्र की बच्ची, पूरे राष्ट्रीय स्तर से हमारे विद्यालय के लिए सुनाम लाई। इंटरनेशनल लेवल पेंटिंग, she touched the heart of our Honorable Prime Minister Sri Modi ji, and her painting was highly acclaimed, and she was the only child from Bhubaneswar who was invited to meet Honorable Prime Minister Sri Modi ji, who is an international figure, jo antarashtriya jagat mein chhaye gaye hain hamare Pradhanmantri ji. उनके पास 10 साल की उम्र की बच्ची जो आपके विद्यालय की है, कल उनसे मुलाकात की और हमारे विद्यालय के लिए ढेर सारे सुनाम लाई, हमारे विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाई। इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाए हैं कई बच्चे इन स्कॉलास्टिक एंड पोस्ट स्कॉलास्टिक डोमेन। सो दिस 53 इयर्स historical Vidyalaya
is celebrating its 53rd annual sports day. I congratulate you all on this occasion of 53rd annual sports day.